Welcome to Plus Pramesh eLib. My name is Pooja and today I am going to do analysis of The Hindu of 18th February. The topic that I am going to discuss today are, first one is Women Army Officer Eligible for Permanent Commission, Supreme Court. Second, Women at Arms. Third one is Government Presented Opposite Positions. Fourth, Turkey trying to justify cross-border terror. Next one is Goa tax on Fani. GFP demands withdrawal, threatens agitation. Next one is India's first COE for gaming VFX and computer vision opens in the city. Next one is STPI to promote incubation centers in tier 2-3 cities. Next one is India's bird population suffers long-term decline. Next one is bird watching. Next one is state to have one more wildlife sanctuary. And 11th is government plans research on indigenous cows. And last one is practice cum revision MCQs. So these topic we are going to discuss today. Sabse pehla topic hum dekhte hain. फर्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, वुमेन आर्मी ऑफिसर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है, उसी के साथ वुमेन एट आर्म्स. और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अपोजिट पोजीशन, इट इज़ आल्सो सेड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट दो से तीन दिन पहले का जो एनालिसिस था उसमें, जिसमें कि बताया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के वुमेन्स को परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, इस पर एक क्वेश्चन करके एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ था. उसी से अब फाइनल डिसीजन आ गया, तो देखते हैं. चंद्रचूड़ डिसमिसेस गवर्नमेंट्स व्यू दैट वुमेन आर साइकोलॉजिकली वीकर. तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनके द्वारा इस व्यू को क्या किया गया है, डिसमिस कर दिया गया, जिसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ये कह रही थी कि वुमेन जो होती है साइकोलॉजिकली वीकर होती है. अब हम यहाँ पे ये जो पूरा मैटर है समझने की कोशिश करते हैं. अगेन करेंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पेपर टू रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पेपर टू के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर थ्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड पेपर फोर ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक बहुत लंबी प्रोसेस रही है. 1992 में सेंटर ने नोटिफाई किया वुमेन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑफिसर फॉर 5 ईयर इन द आर्मी पोस्ट, मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, करना स्टार्ट किया था 1992 में. कुछ डिपार्टमेंट्स थे उसमें. देन उसके बाद 1996 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्स द 5 ईयर्स क्लॉजेस फॉर एनरोलमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लॉजेस डिक्लेयर किए नवंबर 2005 में. फिर क्या हुआ, द इनिशियल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स अंडर द WSES वॉज रिप्लेस बाय SSC विद एन आउटर पीरियड ऑफ 14 ईयर्स. तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें 14 साल के लिए वुमेन्स को इन कर लिया गया. द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन ऑफिसर्स अंडर द न्यू स्कीम एंटर्ड द आर्मी इन 2008 में, इसके द्वारा फर्स्ट बैच इंक्लूड हुआ था. फिर इसी समय में 2003 और 2006 में क्या हुआ था, रिट पिटीशन फिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में. फिर उसके बाद 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट होल्ड्स द वुमेन SSC ऑफिसर एट द एयरफोर्स एंड आर्मी हु हैड ऑप्टेड फॉर परमानेंट कमीशन बट नॉट ग्रांटेड दैट स्टेटस वुड बी एंटाइटल्स टू द परमानेंट कमीशन एट पर विद द मेल SSC ऑफिसर्स विद ऑल कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स. Contempt proceedings were then initiated by the woman officer against the Union of India for non-compliance with the High Court judgment. Contempt was later stayed. और सितंबर 2011 में जो ये मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था. तो सेंटर का क्या आर्ग्यूमेंट था, पहली बात तो ये देखने की कोशिश करते हैं. और अब उसके खिलाफ जो एक तरह से कह सकते हैं सेंटर के व्यू के खिलाफ जो डिसीजन आया है वो वुमेन्स के फेवर में है. तो एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और बहुत अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है. जो सेंटर ने आर्ग्यूमेंट दिए थे वो क्या थे, साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन. तो मैन और वुमेन के बीच में क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं. प्रोलॉन्ग्ड अब्सेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदरहुड एंड डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स चिल्ड्रन एंड फैमिली. मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, मदरहुड के टाइम पीरियड पर कुछ उनके
अपने बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति कुछ जो ऑब्लिगेशन होते हैं उसकी वजह से वो क्या होती है, बहुत लंबे पीरियड तक के अब्सेंट रहती है। ये बात कहा गया है, डेंजर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय एनिमी एंड बिकमिंग अ प्रिजनर वार, प्रिजनर वार बनने की ज़्यादा संभावना है। ये एक सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया गया था। मिनिमम फैसिलिटीज़ फॉर हैबिटेट एंड हाइजीन इन बॉर्डर एरियाज़ एंड इंसर्जेंसी हिट एरियाज़, तो हाइजीन की फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सब कुछ करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे सरकार के द्वारा। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब कि बताया है, सेंटर्स आर्ग्यूमेंट आर बेस्ड ऑन सेक्स स्टेरियोटाइप्स इन सोसाइटी। तो सेंटर का जो आर्ग्यूमेंट है वो सेक्स स्टेरियोटाइप को बताता है जो कि हमारे समाज में है। आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द सोशली एस्क्राइब्ड रोल्स ऑफ जेंडर्स, एट प्रेजेंट 30% ऑफ वुमेन ऑफिसर आर डेप्यूटेड इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, जो है 30% वुमेन ऑफिसर्स जो है वो प्रेजेंट है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए थे, देखिए वुमेन ऑफिसर्स वर पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन इन कॉन्गो एंड बुरंडी, तो ये अफ्रीकन कंट्री के देश है, वहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था वहाँ पे यूएन वुमेन ऑफिसर्स जो थी वो पार्ट थी। गैलेंट्री अवार्ड फॉर वुमेन ऑफिसर फॉर फाइटिंग तालिबान इन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में जो तालिबानियों से फाइट करने की वजह से उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है। ऑलरेडी सर्विंग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब जो डिस्प्यूटेड पार्ट है वहाँ पे जिस तरह से वुमेन्स सर्व कर रही है। कैप्टन तानिया सरगिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन परेड एडजटेंट टू लीड एन ऑल मेन कॉन्टिजेंट ड्यूरिंग 71st रिपब्लिक डे परेड, तो आपने इस बार का जो गणतंत्र दिवस का समारोह था उसमें देखा होगा कि जो परेड थी उसको लीड कर रही थी वो कैप्टन तानिया सरगिल थी। तो इस तरह से वुमेन्स किस अपना का बताया गया है उनके द्वारा आर्ग्यूमेंट, जो अपने पॉइंट्स रखे गए थे। साइडलाइनिंग वुमेन्स एबिलिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर इज एन अफ्रंट द डिग्निटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्मी, वुमेन ऑफिसर इन आर्मी आर नॉट एडजसेंट टू एन मेल डोमिनेटेड स्टेबलाइजमेंट। सुप्रीम कोर्ट, वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्ट इन आर्मी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एलिजिबल है परमानेंट कमीशन के लिए भी और कमांड पोस्ट के लिए भी आर्मी में, ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। अपोजिट स्टैंड्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्ट ऑन वन साइड, इन 2019 मिलिट्री ऑफ डिफेंस एक्सटेंडेड परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन टू 10 ब्रांचेस ऑफ आर्मी सच एज कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस एटसेट्रा। डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन ऑफिसर गोज अगेंस्ट आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, सो यू शुड नो अबाउट अवर फंडामेंटल राइट, जिसमें फंडामेंटल राइट में हमारे जो मौलिक अधिकार है जिसमें कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 बताता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेस ऑफ सेक्स, और उसके बाद में आर्टिकल 16 जो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एनवायरनमेंट, मतलब कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी भले वो किसी भी सेक्स हो से हो का हो कास्ट का हो रेस ग्रेड, मतलब इस तरह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर ऑफ आर्मी सेल डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, ना वुमेन एट आर्म्स, उसी से रिलेटेड एक और जो आर्टिकल आया हुआ है इसमें भी यही सब बातें रखी गई है। एज ऑफ नाउ ओनली 1653 वुमेन ऑफिसर आउट ऑफ 40,825 ऑफिसर्स, तो 40,825 ऑफिसर में से 1653 वुमेन्स है एट प्रेजेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विल हेल्प वुमेन ऑफिसर्स टू अचीव करियर एस्पायरेशन से रीच टॉप पोजिशन, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये बात कही गई है। और ये जो आपका मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट वी विल डिस्कस इन लास्ट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट वी विल डिस्कस टुडे इज टर्की ट्राइंग टू जस्टिफाई क्रॉस बॉर्डर टेरर, न्यू दिल्ली इश्यूज डिमार्च टू एनवॉय, तो जो टर्की है उसके वो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेरर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है अगेन, जैसे हमने देखा था कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा इशू है, तो हमने कल के जो आर्टिकल में डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो भी इशू है वो दोनों देश मिल करके सुलझाएंगे, उसमें तीसरा कोई देश
भाग नहीं लेगा। और इसी चीज को देखते हुए मतलब कि ये अगर टर्की का जो एक कमेंट आया हुआ है तो हम इस पे देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या रिप्लाई किया गया है बैकग्राउंड, तो देखते हैं क्यों आया हुआ है। एक्चुअली FATF, तो FATF ने आपको पता ही होगा कि FATF की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट इसकी 20 फरवरी से एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कि ये हो सकता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन कुछ देश है जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं जिसमें कि टर्की है, चाइना है, मलेशिया है, तो ये देश जो है, तो इस तरह से FATF ने एक्चुअली क्या कहा है ये देखते हैं। पहली बात तो सेवरल टेररिस्ट ग्रुप कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम फंड्स थ्रू इलीगल एक्टिविटीज, दे यूज वेरियस मेथड्स टू गेन फाइनेंशिंग सोशल मीडिया टू आइडेंटिफाई न्यू फॉलोअर्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है ये इलीगल एक्टिविटीज के द्वारा क्या करते हैं, उन्हें फंड मिल रहा है, दे यूज वेरियस मेथड टू गेन फाइनेंसिंग, और वो बहुत सारी मेथड को यूज करते हैं फाइनेंसिंग के लिए। फिर उसके बाद में जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। तो जो अगेंस्ट पाकिस्तान है वो है USA, UK, जर्मनी और फ्रांस, और जो सपोर्टेड है वो चाइना, टर्की और मलेशिया। फरवरी 2020 FATF विल डिसाइड ऑन पाकिस्तान स्टेटस, तो FATF को जो बताएगा कि इसे ग्रे लिस्ट में रखना है या ब्लैक लिस्ट में रखना है, किस तरह से इसकी कंडीशन बताई हुई है। नेक्स्ट हम टर्की की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो टर्की है वो एक एशियन कंट्री है, बट वो एशिया और यूरोप दोनों, उसका एक जो इस्तानबुल शहर है वो इवन यूरोप में आता है, तो इसीलिए लार्ज पेनेंसुला दैट ब्रिजेस द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, तो वो एक पेनेंसुला है। सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ पेनेंसुला, इफ द एनी लैंड पार्ट इट इज सराउंडेड बाय ए वाटर फ्रॉम थ्री साइड एंड फ्रॉम वन साइड इट इज सराउंडेड बाय लैंड, इट इज कॉल्ड पेनेंसुला। सो लाइक इंडिया, इंडिया इंडियन पेनेंसुला, वी टॉक अबाउट द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया इज कम्स इन पेनेंसुला, सो लाइक दैट सराउंडेड बाय अ सी ऑन थ्री साइड, तो तीन तरफ से सराउंडेड है। इसमें अगर आप टर्की के वन साइड पे देखेंगे, नॉर्थ में ब्लैक सी है, इसके साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और इसका जो वेस्ट है यहाँ पे है एजियन सी है। और यू शुड हैव द एटलस विथ यू, और बिकॉज इन दिस इट इज शोन द रिपोर्ट इज अकॉर्ड लिटिल बिट एज पर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो सर, तीन जो समुद्र से टर्की घिरा हुआ है हमने उसकी तरफ बात कर ली। अब कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है जॉर्जिया एंड आर्मेनिया, ईस्ट में है अजरबैजान एंड ईरान, साउथ ईस्ट में है इराक एंड सीरिया, एंड नॉर्थ वेस्ट में है ग्रीस एंड बुल्गारिया। जो टर्की की कैपिटल है वो अंकारा है, लार्जेस्ट सिटी एंड द सी पोर्ट है वो इस्तानबुल है। यहाँ पे देखिए ये फिगर में दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टर्की। टर्की जो एक तरफ से ये ब्लैक सी है, मेडिटेरेन सी है, यहाँ पे एजियन सी भी है, नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में सीरिया इराक से घिरा हुआ है, यहाँ पे अर्मेनिया और अजरबैजान से घिरा हुआ है, जॉर्जिया है, फिर उसके बाद में इस साइड में बुल्गारिया, रोमानिया, ये जो कंट्रीज है ये इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप यू शुड नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ टर्की ऑल्सो वेयर इट इज, बिकॉज इट लाइज इन एंड मेडिटेरेन सी, यहाँ पे नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो रेड सी है, और मेडिटेरेन सी और रेड सी को जो कनेक्ट करती है वो है स्वेज कैनाल, और ये स्वेज कैनाल की वजह से ही हमारा इंडिया यूरोप का जो ट्रेड होता है वो पॉसिबल हुआ है, जो इजीली कर पा रहे हैं। फिर इंडिया टर्की का रिलेशनशिप क्या है, बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लिबरल इकोनॉमिक्स है, इम्प्रूव बायलेटरल रिलेशनशिप वो ओवर पास्ट 3 डिकेड्स, मतलब लास्ट 3 डिकेड्स में हमारे बीच में जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हुआ है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशनशिप इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, डिप्लोमेटिक रिलेशन है स्ट्रेंथन ओवर द लास्ट 30 ईयर, प्रेसिडेंशियल विजिट हुआ है। न्यूज़ द सिचुएशन, अब न्यूज़ क्या थी एक्चुअली हमारी एग्जैक्टली, ये तो हमने इंडिया एंड टर्की के रिलेशनशिप की बात कर ली, टर्की को का लोकेशन देख लिया
FATF की बात कर ली. नाउ न्यूज इज द सिचुएशन इन कश्मीर वॉज एन आउटकम ऑफ यूनिलेटरल एक्शन टेकन बाय इंडिया. ये कह रहा है कि भारत का एक तरफ से जो डिसीजन एक्शन लिया जाता है उसकी वजह से कश्मीर की सिचुएशन ये है. टर्की इज ट्राइंग टू जस्टिफाई पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. और ये भारत का कहना है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. कुछ और इश्यूज है जो देख लेते हैं. टर्की गवर्नमेंट राइज द कश्मीर इशू एट द इंटरनेशनल फोरम. ऑल्सो इंक्रीज सोलिडारिटी विथ पाकिस्तान. इट ऑल्सो अपोज इंडियाज मेंबरशिप टू NSG. माइट अफेक्ट इंडिया टर्की रिलेशनशिप. तो टर्की का जो ये करंट स्टेप है वो हमारे भारत और तुर्की के बीच में रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है. इवन तुर्की ने हमारे NSG में मेंबरशिप के लिए के समय भी अपोज किया हुआ था. तो यहाँ पे हमने तुर्की के द्वारा जो कमेंट किया गया है उसके इशू को देख लिया. नाउ नेक्स्ट है जो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गोवा टैक्स ऑन फेनी. GFP डिमांड्स विड्रॉल थ्रेटन्स एजिटेशन. तो क्या है, तो गोवा में जो फेनी है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है. व्हाट इज फेनी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. और GFP जो एक है गोवा फॉरवर्ड पार्टी उसके द्वारा इस डिमांड की गई है कि इसे वापस ले लिया जाए, नहीं तो वो क्या करेंगे, एजिटेशन करेंगे, इसकी बात की गई है. अगेन ये हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम यहाँ पे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फेनी. तो ये है अल्कोहलिक बेवरेज लोकली प्रिपेयर्ड इन गोवा. एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, गोवा में किया जाता है. हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 200 ईयर्स. इसकी जो हिस्ट्री है वो 200 इयर्स की है. डिस्टिल्ड स्पिरिट में होता है कैश्यू फेनी, कोकोनट फेनी. तो दो तरह से प्रिपेयर हो रहा है, दो टाइप से. एक कैश्यू फेनी होता है, कोकोनट फेनी होता है. अब कैश्यू फेनी देखो, राइपन्ड कैश्यू एप्पल्स क्रश जूस इज फर्मेंटेटेड. नो आर्टिफिशियल ईस्ट और न्यूट्रिएंट्स एडेड. इसमें कोई भी आर्टिफिशियल ईस्ट और न्यूट्रिएंट को ऐड नहीं किया जाता है. ट्रिपल डिस्टिल्ड होता है, फर्स्ट डिस्टिलेटेड, सेकंड डिस्टिलेटेड एंड थर्ड डिस्टिलेटेड. नाउ एक्सपोर्टेड अराउंड ग्लोब, नॉट विद इन इंडिया. तो ये अराउंड ग्लोब ये क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है कैश्यू फेनी फ्रॉम गोवा को. GI टैग मिला था 2009 में. तो इवन किस चीज़ को GI टैग मिला है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो कैश्यू फेनी को मिला हुआ है गोवा के, गोवाज फर्स्ट GI टैग. ये गोवा का किसी चीज़ को मिला पहला GI टैग था. फर्स्ट अल्कोहल टू बी रजिस्टर्ड एट GI इन इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया. मतलब कि इंडिया में और इंडिया से GI टैग के लिए एनरोल होने वाला पहला अल्कोहल था. गोवा की गवर्नमेंट ने इसे हेरिटेज स्पिरिट्स ऑफ गोवा डिक्लेयर किया था. No. तो यहाँ हमने देख लिया कि जो ये जो GFP है गोवा फॉरवर्ड पार्टी के द्वारा इस चीज पर जो टैक्स लगाया गया है उसको हटाने की मांग की जा रही है. क्योंकि उनको कहना है कि अगर इस पर टैक्स लगाएंगे तो मतलब वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है. नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडियाज फर्स्ट COE फॉर ग्रांड गेमिंग VFX एंड कंप्यूटर विजन्स ओपन इन सिटी. एंड अगेन वन मोर आर्टिकल इज STPI टू प्रमोट इनक्यूबेशन सेंटर्स इन टायर 2 and 3 सिटीज. तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या है ये आर्टिकल. अगेन दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यूज, मीन्स paper 2 and paper 4. तो क्या आर्टिकल है, STPI हैदराबाद. तो STPI हैदराबाद ने क्या ओपन कर रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन गेमिंग VFX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा. तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इज द STPI. तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है हैदराबाद, इसके द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया जा रहा है गेमिंग के लिए, जिसमें कि VFX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा के लिए किया जा रहा है. फिर इंडिया एंड IT सुपर पावर. तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो है वो IT एक सुपर पावर के रूप में है. तो जो इंडिया का IT सेक्टर है वो 8% ऑफ GDP ग्रोथ में इन्वॉल्व है. इसके बाद में इंडिया का जो रेवेन्यू है IT सेक्टर से वो कितना आता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से कितना आता है, जो इंपोर्ट करते हैं वो कितना है, ये सब इस ग्राफ में दिखाया हुआ है.
नाउ नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 जो आई थी उसकी बात कर लेते हैं. इंडिया एज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब इंक्रीज इंडिया शेयर इन ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट बाय 10 times बाय 2025. To develop tech startups, 1,000 search in Tier 2 and Tier 3 towns of cities to set up center of excellence implemented by MEITY through STPI. ठीक है, प्लस कोडेक, NIC, इंडस्ट्री बॉडीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अब STPI किया है, इसको देख लेते हैं. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस सोसाइटी बाय मीटी 1991 अंडर सोसाइटीज रिजर्वेशन एक्ट 1860. इसका एम क्या है, टू एनकरेज प्रमोट एंड बूस्ट द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. एट प्रेजेंट 58 STPI सेंटर्स एंड सब सेंटर्स हैं अवेलेबल है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विस एंड बायो IT. टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी एंड अदर प्रमोशनल सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर्स बाय इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एंड अदर सच स्कीम्स विच मे बी फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. और नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड डेटा कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज टू IT अनेबल सर्विसेज रिलेटेड इंडस्ट्रीज. तो IT अनेबल सर्विस जो इंडस्ट्रीज से उनको क्या प्रोवाइड कराना है, डेटा कम्युनिकेशन सर्विस. टू प्रमोट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स ऑफ बाय क्रिएटिंग कंडसिव एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ IT एंड IT अनेबल सर्विसेज. यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं. इमेज इंडियाज फर्स्ट COE फॉर गेमिंग VFX कंप्यूटर विजन AI ओपन्ड इन हैदराबाद, यही न्यूज थी, इसी को डिस्कस कर रहे हैं. एंड इनिशिएटेड बाय द STPI हैदराबाद के द्वारा, इसका एक इनिशिएटिव है जिसमें कि उन्होंने क्या किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला, ओपन किया हुआ है जिसमें गेमिंग के लिए, VFX के लिए, कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. फर्स्ट इमेज STPI की बात की गई है. टारगेट्स टू इनक्यूबेट अप टू 25-30 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years. तो गेमिंग की बात की गई है, VFX की बात की गई है, कंप्यूटर विजन एंड AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट नेक्स्ट आर्टिकल है दैट वी विल डिस्कस इज इंडियाज बर्ड पॉपुलेशन सफर्स लॉन्ग टर्म डिक्लाइन. इंडियाज बर्ड पॉपुलेशन सफर्स लॉन्ग टर्म डिक्लाइन. इंडिया की जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं. जॉइंट स्टडी बाय 10 bodies ब्लेम्स ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम लॉस ऑफ हैबिटेट वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स हंटिंग एंड ट्रैपिंग. तो बर्ड वॉचिंग यहाँ पर एक न्यूज़ दी हुई है आर्टिकल में, ये देखिए आप, लॉन्ग टर्म डिक्रीजेस, शॉर्ट टर्म डिक्रीजेस, इस तरह से एक ग्राफ बताया गया है. और ये अगेन करेंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पेपर फॉर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट असेसेस स्टेटस ऑफ 867 बर्ड स्पीसीज based on data contribution from various citizen science efforts like Asian water bird census, bird count India etc. तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है, फर्स्ट नेशनल लेवल कंपरेसिव असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ट्रेंड इन अबंडेंस एंड द कंजर्वेशन स्टेटस फॉर मोस्ट ऑफ द बर्ड स्पीसीज दैट रेगुलरली अकर इन इंडिया. तो पहली बार इस तरह का नेशनल लेवल का असेसमेंट किया गया है. और इसमें देखते हैं कि रिपोर्ट बेस्ड ऑन ए जॉइंट स्टडी बाय 10 bodies, इन 10 bodies के द्वारा जो है ये रिपोर्ट सौंपी गई है. तो 3 indices है, फर्स्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड, करेंट एनुअल ट्रेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज. तो एबंडेंस ट्रेंड इंडेक्स की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज की बात की गई है, फिर इसके बाद में जो आउटकम्स हैं तो वो क्या रहे हैं इसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं. नाउ कैटेगरीज ऑफ द कंजर्वेटिव कंसर्न बेस्ड ऑन 3 indices प्लस IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पेसीज. 3 categories में हाई, मॉडरेट और लो को बताया गया है.
critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened and least concern. और इस तरह से ये IUCN के द्वारा रेड लिस्ट 2019 जो जारी की गई है उसमें टोटल 862 जो है वो स्पीसीज के बारे में बताया गया है. नाउ स्पीसीज ऑफ हाई कंजर्वेशन कंसर्न, किन स्पीसीज को कंसर्न की जरूरत है. लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन एबंडेंस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, जिनका कि बहुत समय से डिक्लाइन हो रहा है और जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही है. करेंट रेंज वेरी रिस्ट्रिक्टेड है. फिर एबंडेंस ट्रेंड कुड नॉट बी असेस्ड बट क्लासिफाइड ऑन ग्लोबली थ्रेटन्ड इन IUCN रेड लिस्ट. स्पीसीज इन द लिस्ट कौन सी है, रिफोइस है, फ्रंटेड प्रीना, नीलगिरी थ्रस, नीलगिरी पाइपेट, इंडियन वल्चर. फिर कॉमन स्पॉरो, लो कंजर्वेशन कंसर्न, डिक्लाइनिंग इन सिटीज एंड अर्बन एरियाज. तो लो कंजर्वेशन कंसर्न देखा गया है, इसकी वजह से इनका डिक्लाइन हो रहा है सिटीज में भी, अर्बन एरियाज में. रीजन फॉर डिक्लाइन, डिक्रीज इन इंसेक्ट पॉपुलेशन, डिक्रीज इन नेस्टिंग साइट्स. लिस्ट ऑफ की बर्ड स्पीसीज फॉर ईच स्टेट यूटी मेंशनड. बर्ड स्पीसीज एग्रीगेटेड इंटू 6 टेक्सोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल ग्रुप्स. तो 6 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, बताया गया है. रैप्टर्स, वाटर बर्ड्स, डाइड गूल्स, हैबिटेड, माइग्रेटरी स्टेटस एंड एंडेमिसिटीज. फाइंडिंग्स, रैप्टर्स, वाटर बर्ड्स, माइग्रेटरी स्पीसीज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. रैप्टर्स की बात करें तो पैलिड हैरियर, मोंटेग्यू हैरियर, व्हाइट बेलिड सी ईगल एंड रेड नेकल्ड फेलकॉन. स्टिप डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. डाइड गूल की बात करें, वेरिंग रेट्स ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. हैबिटेड, एंडेमिक ग्रुप्स, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. नॉट थ्रेट्स फेस्ड बाय बर्ड्स. तो बर्ड्स को क्या थ्रेट फेस करना पड़ रहा है. लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स, हंटिंग, ट्रैपिंग फॉर पेट ट्रेड, इन्वेसिव स्पीसीज, डेम्स एंड माइनिंग, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉल्यूशन. इसकी वजह से बर्ड्स को जो इन सब कारणों की वजह से क्या है, बर्ड्स को थ्रेट है. फॉरवर्ड लुकिंग एक्शंस, रिकमेंडेशंस, अपडेट ग्लोबल एंड नेशनल प्रायोरिटीज यूजिंग कंजर्वेशन असेसमेंट फ्रॉम दीज रिपोर्ट, प्रमोट कोलाबरेशन बिटवीन द रिसर्चर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज. अब प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की गई है तो यहाँ पर एक इंडेक्स दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. नाउ हम लास्ट आते हैं यहाँ पे प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन से, जो कि वी विल डिस्कस इन लास्ट. नेक्स्ट है हमारा स्टेट टू हैव वन मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहाँ पे बताया गया है केरला की न्यूज़ है यहाँ पे, और केरला में क्या हो रहा है कि एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई जा रही है, भवानी, कंप्राइजिंग बफर जोन ऑफ साइलेंट वैली टू बिकम 25th प्रोटेक्टेड एरिया इन केरला. तो जो सेंचुरी बनाई जा रही है वो है भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ही बनाया जा रहा है. तो यहाँ पे हम अगेन ये देख रहे थे कि ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. पेपर फोर में कंजर्वेशन, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रोटेक्टेड एरियाज में मतलब में के बारे में बताया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में, उसने नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात की गई थी. तो नेशनल पार्क जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व में आते हैं और सेंचुरीज जो होते हैं वो कम्युनिटी रिजर्व के अंदर आते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी टू नोटिफाई द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड ऑल्सो टाइगर रिजर्व. तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज को और टाइगर रिजर्व को बता सके कि कौन से है. डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, सेक्शन 18 के द्वारा सेंचुरी को डिक्लेयर किया जा सकता है. वन्य जीव अभ्यारण कहा जाता है जिसको कि या अभ्यारण. और डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क इज डन बाय सेक्शन 35. तो सेक्शन 18 और सेक्शन 35 के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है. अब कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व मतलब नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में कहाँ बताया गया है, तो यही इस पैरा में बताया गया है कि कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बताया गया है सेक्शन 36A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में मतलब कि जो सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है सेक्शन 36C ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड होता है. लैंड इज ओन बाय स्टेट, लैंड इज ओन बाय कम्युनिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल.
नाउ टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं. एज पर सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरिया एज टाइगर रिजर्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो किस तरह से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर किया जाता है. नाउ वॉट इज द न्यूज़ दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला इज सेट टू डिक्लेयर द 148 किलोमीटर स्क्वायर बफर जोन ऑफ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क एज भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो जो केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके 148 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को वो केरला की गवर्नमेंट जो है भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रही है. अब भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पे बफर जोन ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बफर जोन को डिक्लेयर किया जाएगा एट प्रेजेंट इन केरला. तो केरला के बारे में बताया गया है कि केरला में 5 नेशनल पार्क हैं, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 1 कम्युनिटी रिजर्व है. भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन टू बी एन इमर्जिंग हेवन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डेम्सी फ्लाइज. इनके लिए क्या होगी, एक बहुत अच्छा क्षेत्र मानी जाएगी. फिर ट्राइबल कम्युनिटीज एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड. अब यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ने अपना लाइवलीहुड जो है वो उनको उनका कम हो जाएगा या उसके लिए अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया हुआ है. फिर प्रपोज्ड भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि इस तरह से कहाँ पे ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और यहीं पर ये ओपन मतलब कि बनाई जाएगी. आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट प्लान्स रिसर्च ऑन इंडिजीनियस काउज. तो हमारी जो सरकार है वो सरकार के द्वारा जो इंडिजीनियस मतलब कि देसी गाय के ऊपर रिसर्च किया जाना है उसको उससे रिलेटेड खबर आई हुई है. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसे. साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउ. तो सूत्र PIC इंडिया की बात की गई, ये इसी को आप फुल फॉर्म है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन, है ना. तो रिसर्च करके उनका साइंटिफिकली यूटिलाइजेशन किया जाएगा उनके जो जो भी हमें इंडिजीनियस काउ से प्रोडक्ट मिलते हैं उनका. तो इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ICAR एंड ICMR के द्वारा. तो इतने डिपार्टमेंट मिलकर के इस पे काम करेंगे. गवर्नमेंट इनवाइटेड प्रपोजल फॉर एकेडमिशियंस एंड साइंटिस्ट टू कैरी आउट R&D टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन 5 थेमेटिक एरियाज. यूनिकनेस ऑफ द इंडिजीनियस काउज, तो क्या उनकी एक उनके बारे में बताया गया है कि जो देसी गाय होती है उनकी क्या यूनिकनेस होती है, यूनिक क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक. उनका अपना एक यूनिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक होता है. मार्केट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू ब्राज़ील सीकिंग इंडियाज कैटल. तो जो ऑस्ट्रेलिया से देख लेकर के ब्राज़ील तक के जो देशों के मार्केट हैं वहाँ पे इंडियन काउंस की डिमांड है. क्योंकि क्यों, क्योंकि उनका टिक रेजिस्टेंस होता है, हीट टॉलरेंस होता है, रेजिलेंट क्वालिटीज होती है उनकी, ये सभी. फिर नीड डिटेल स्टडी ऑन द मेटा जेनोमिक एंड प्री प्रोटोजेनोमिक एनालिसिस. तो जो डिटेल स्टडी की जरूरत है इन काउंस के ऊपर. प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ. जो इनके मेन प्रोडक्ट्स है वो मेडिसिन और हेल्थ में यूज़ किए जाते हैं. तो काउपैथी की बात की गई है. एंशंट आयुर्वेदिक लिटरेचर में बताया गया था वीर चक्र संहिता, सूरसूत्र संहिता एटसेट्रा में फार्मोलॉजिकल एप्लीकेशन इन ट्रीटिंग ल्यूकोडेरमा आर्थराइटिस एटसेट्रा. नेक्स्ट है प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस फॉर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस. तो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में किस तरह से इनका प्रोडक्ट को यूज किया जाता है. काउडंग एंड यूरिन रिच इन माइक्रोबियल कम्युनिटीज, बायोपेस्टिसाइडल वैल्यूज होती है इनकी, ट्रेडिशनल कंपोजिंग हो जाती है, इट्स रोल इन प्लांट ग्रोथ, सॉइल हेल्थ एज ऑर्गेनिक मेन्योर एटसेट्रा. नेक्स्ट वन है प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर इंडिजीनियस काउस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन. तो कुछ जो इनसे प्रोडक्ट मिलते हैं वो फूड और न्यूट्रिशन के लिए भी हेल्पफुल है. कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल एंड थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द कर्ड एंड घी.
नेक्स्ट वन इज प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनियस काउ बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स, मॉस्किटो रिपेलेंट, फ्लोर क्लीनर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये जो है यूटिलिटी आइटम्स में भी इनका यूज किया जाता है. नाउ हमारा जो डिस्कस करने का है प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कशन. नाउ देखते हैं हम प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020 रिपोर्ट. तो क्या रिपोर्ट आई है इसमें से बताना है कि विच वन इज करेक्ट. इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ट्रेंड्स इन द अबेंडेंस एंड कंजर्वेशन स्टेटस फॉर द मोस्ट ऑफ द बर्ड स्पीसीज दैट रेगुलरली अकर इन इंडिया. सेकेंड, दिस रिपोर्ट असेसेस द स्टेटस ऑफ ए ऑल बर्ड स्पीसीज इन इंडिया यूजिंग डेटा अपलोड बाय बर्ड वॉचर्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई बर्ड. थर्ड वन, इट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो विच वन इज करेक्ट, यू हैव टू टेल दिस. नाउ नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द एल्कोहलिक बेवरेज ड्रिंक फैनी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड यूजिंग केश्यू एप्पल्स इन गोवा. गोवा हैज़ बिन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर फैनी. इट इज़ द हेरिटेज स्प्रिट ऑफ गोवा. इट इज़ ओनली एल्कोहलिक बेवरेज फ्रॉम इंडिया दैट हैज़ बिन ग्रांटेड द GI टैग. तो विच वन इज करेक्ट, यू हैव टू टेल दिस. नाउ नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल थ्रेट्स लीडिंग टू डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन. लॉगिंग, इन्वेजिव स्पीसीज, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेट ट्रेड. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स ऑफ गिवन बिलो. नाउ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर ऑन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन एंड कमांडिंग पोस्ट टू वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी इज अ सीवियर ब्लो टू सेक्स स्टेरियोटाइप्स प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी एंड अ माइलस्टोन टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है जिसमें कि वुमेन्स को परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्ट दी जा सकती है इंडियन आर्मी में, तो उसके ऊपर आपको जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रहा है इससे रिलेटेड मेंस में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है. नौ, यहाँ पर आपके आंसर्स दिए हुए हैं प्रीलिमिनरी क्वेश्चन के. एंड लास्ट, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.